गाजियाबाद से हैं विनोद सैगर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप बताइए। अच्छा। क्या सवाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। और हकीम जी को भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। जय हिंद, आदाब। आप कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा कॉल लग गई ही। जी 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 मैडम बताइए सर, अपना सवाल कर लीजिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पहला मेरा सवाल है कि जब मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। जी बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ सर। टीवी बिल्कुल मत सुनिए, देखिए टीवी सुनेंगे तो बहुत देर में जवाब देंगे, टीवी मत सुनिए, फोन से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल है मेरा। हाँ। मैं जब कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। हाँ। तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। और जब मैं रात को सो जाता हूँ सुबह नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, लगभग 20 के करीब होने जा रहा है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। मैंने जो है आपके जो होम्योपैथी दवाई भी कराई है और वैसे भी दवाई कराई, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तीसरा सवाल? जी तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपका 200 है, 200 मैंने अभी टेस्ट कराया तो 200 है। ठीक। और चौथा सवाल एक और है मेरी मैडम का है, उनके पैर घुटनों में दर्द होता है। अच्छा, देखिए बच्चा को काफी लेट कर दिया, फिर भी कोशिश कर लीजिए। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद एक आता है जो असली लेना ज़रूरी है, नकली भी लोग बहुत बेचने लगे हैं। तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम बच्चे को पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे भी आपकी हैसियत है हालात हैं उस हिसाब से दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत महंगा आता है ना, 40-50 रुपए का नारियल पानी। तो गरीबों के लिए पानी से ही काम चल जाता है, रईस लोग नारियल पानी में भी ले सकते हैं। ये उनको 2-3 महीने दीजिए, उनकी हाइट का पैमाइश कर लीजिए कितनी है, और फिर 2-3 महीने बाद देखना कितना उनको फ़र्क पड़ा। दूसरा सवाल, पैरों में स्वेलिंग रहती है जब भी ये पैर लटका के बैठते हैं। कैल्शियम की कमी चल रही है आपके अंदर, तो कैल्शियम की एक गोली हर उस आदमी को यूज़ करनी चाहिए जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम की गोली खा लिया करिए, ये स्वेलिंग आपकी अच्छी होने लगेगी। और कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ गया है उसके लिए सिरका लीजिए, कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर रोज़ाना, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रात को सोते वक्त पी लिया करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होना मुमकिन है। पत्नी के लिए घुटनों में दर्द, घुटनों के दर्द का एक तोहफा है आवाम के लिए, जनता के लिए, ये मैंने घर घर तक इसको प्रचार किया और लोगों को बड़े फायदे हुए। गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है जिसे काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इसे लोग नकली बहुत बेचने लगे, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं तो मांगते हैं तो वो एलवा दे देते हैं, एलवा नहीं लेना, या कोई और गोंद दे देते हैं जो चमकते हैं, शीशे की तरह चमकता हुआ गोंद दे देते हैं। ये जो गोंद स्याह है जिसे काला गोंद मैं कहता हूँ, ये चमकता नहीं है, लेकिन अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको असली, तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम लीजिए, 0.5 ग्राम सुबह दीजिए अपनी मैडम को, 0.5 ग्राम शाम को खाने के बाद देना है, पानी से देना या बगैर चर्बी के दूध से। ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि मरीज का ठीक होना मुमकिन होता है। कर्नाटक से है जोया, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक नन्ही बहन है 1 साल की, उसे दांत आ रहे हैं और दुबली हो रही है, वजन कम हो रहा है। दांत आ रहे हैं तो दुबली हो रही है? हाँ, वजन कम हो रहा है इसका। ठीक है। हाँ देखिए, वैसे तो वालदा बैठी होंगी आपकी, आप बात कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, इतनी फिक्र कर रहे हैं आप छोटी सी बच्ची की।
देखिए वो जो आता है ना छुआरा, एक तो होती खजूर, एक होता छुआरा। खजूर का सूखा हुआ रूप जो है वो छुआरा है, जो कच्ची तोड़ के सुखा लेते हैं। ये छुआरा अक्सर पुराने लोग तो ये किया करते थे कि छुआरे में एक धागा डालकर और बच्चे के गले में लटका देते थे और वो छुआरा उसके हाथ में देते। अच्छा, बच्चे को ये आदत होती है कोई भी चीज़ हो वो मुंह में लेता है और मुंह में वो चूसने लगता है, तो वो छुआरा उसके हाथ में दे देंगे तो बार बार उसे चूसेगा, तो इससे उसको बहुत ताकत मिलेगी और कमज़ोरी दूर होगी। और जब वो उसे चूसेगी ना बार बार, तो मसूड़े बहुत आसानी से दांतों के निकलने में मदद करेंगे। ये बहुत ताकतवर चीज़ है, ये बच्चे को दीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से उनकी तंदुरुस्ती मुमकिन है। राकेश शर्मा जी हैं हिमाचल से, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग सर। टीम साहब सलाम। सलाम राकेश भाई, आपसे रोज बात होती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत वक्त देते हैं। मैं जब तक आपको नहीं देखूं ना सर, बात ना करूं, दिन अच्छा नहीं निकलता। नहीं, आपकी प्रेम की मोहब्बत की बात है, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये आपका नजरिया मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत शुक्रिया। आप जैसे ईमानदार आप जो है ना शख्स इंसान बहुत बढ़िया लगता है सर हमको। थैंक यू जी। मैं एक सवाल है सर, मेरा मेरी माता जी है, उम्र है उनकी 89। अच्छा, थोड़ी उनको ना सर मेमोरी पावर थोड़ी लगता कम हो रही है, भूल जाते हैं उनके लिए। देखिए अखरोट खिलाए किसी तरह उन्हें, अखरोट दो अखरोट, और शुगर नहीं है तो 10 किशमिश रोज एक बार खिलाया करें। और ये अखरोट ऐसे लें जो तोड़ के मींग निकाल के उन्हें खिलाएं, छिले छिलाए न लें। और एक चुटकी उन्हें ये कलौंजी का नमक रोज़ाना एक चुटकी या दो चुटकी पानी में मिलाकर उन्हें पिला दिया करें। अगर वो उनको वैसे खारा सा हो जाता है पानी, तो अगर वो उनको बुरा लगे तो उसमें शक्कर वक्कर मिला दें, अगर उनको शुगर नहीं हो, या शहद मिला दें 1-2 चम्मच। और देखिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हैं आपके लिए, दुनिया में बहुत बहुत कीमती हैं हर चीज़, लाखों करोड़ों अरबों की, लेकिन ये माता जी आपके लिए उन सबसे कीमती हैं। आप यकीन करें कि जब तक ये ज़िंदा हैं ये आपके लिए दुआ करती हैं, और इनकी दुआ डायरेक्ट भगवान तक पहुंचती है। और सब लोग ऐसे नहीं होते कि अपनी माताओं की इतनी खिदमत करें, आप बहुत खुशनसीब हैं। मैं समझ गया, आज समझाऊँ कि आप इतने अच्छे क्यों हैं, इतने खुशनसीब क्यों, क्योंकि आपकी माता जी ज़िंदा हैं और वो आपके लिए दुआ करती हैं। मैं भी दुआ करूँगा कि उनको बहुत सेहत हो और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और जब तक रहें आपके साथ मेरे लिए भी दुआ किया करें। गुजरात से हैं हीरालाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। निशा हमारी बेटी है, उसके मतलब ये है कि बीपी डाउन होता है। क्या उम्र है बेटी की? बेटी की उम्र होगी करीब ऐसी 30 के आसपास होगी सर। ठीक है जी। 30-40 साल। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा नुस्खा है, और वो एक चीज़ आती है उसे कहते हैं हलीम। अच्छा हलीम तो लोग कुछ और ही समझते हैं हलीम को, लेकिन हलीम बूटी है ये, आप सर्च करेंगे तो हलीम बूटी आपके सामने आ जाएगी, सस्ती आती है। लाल लाल से बीज होते हैं ये, तिलों की तरह होते हैं लेकिन लाल लाल से होते हैं। और ये आपने देखा होगा जब हम कभी आइसक्रीम खाते हैं या फालूदा खाते हैं, फालूदा, तो फालूदे में 2 किस्म के बीज डले होते हैं, एक काले काले से और एक लाल लाल से। जो लाल वाले हैं ना, इसको हलीम कहते हैं, हलीम बूटी।
ये आप ले लीजिए 200-300 ग्राम, और इनको चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं या ऐसे ही साबुत आप एक गिलास दूध में डाल दें 2 घंटे के लिए, और इसमें एक चुटकी या 2 चुटकी में जितना नमक जैतून आए, नमक जैतून एक बड़ा मशहूर नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता, इसमें डालकर, और शक्कर वक्कर भी मिला दें इसमें अगर बच्ची को शुगर वगैरह नहीं है तो, उसके जायके का बनाकर दिन में एक बार दे दिया करें 1 चम्मच, आप देखेंगे कि बच्ची को फायदा होना मुमकिन है। जम्मू से हैं शालू जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शालू जी, बताइए सवाल करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सवाल है कि मेरे ना नोनी है, उनके मतलब घर में गैस की बहुत ट्रबल रहती है और कफ बनती है, इन दोनों के लिए मुझे प्लीज कुछ टिप्स बताएं। ये प्रॉब्लम आपको रहती है गैस की और कफ की? नहीं नहीं, मेरे मिरर में। क्या उम्र है उनकी? 40 जी। अच्छा, ये कफ है या कब्ज है? कफ भी है और गैस की प्रॉब्लम भी है। ठीक है ठीक जी। अच्छा देखिए, एक बड़ा अच्छा नुस्खा है इन दोनों चीज़ों के लिए, और आप लिख लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। फिर बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया, इन सबको 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें, और ये पाउडर जब भी खाना हो तो, एक आता है नमक जैतून, ये नमक जैसा ही होता है देखने में लेकिन नमकीन नहीं होता, असली लें तो ये 1 चम्मच ये पाउडर इसका, और इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले ही खाया करें, आपके पड़ोसी के दोनों रोग को फायदा होना मुमकिन है। मध्य प्रदेश से हैं अगली कॉलर मंजू जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम नमस्ते। मैम जी नमस्कार, मैं अंजू बोल रही हूँ एमपी से। अंजू जी ठीक है, बताइए सवाल करिए। अंजू बोल रही हूँ मैम। हाँ जी अंजू है आपका नाम, आप टीवी मत सुनिए, टीवी से सुनेंगी तो फिर अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। जी मैम, हाँ मैं आप ही से बात करें, मैं टीवी नहीं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, आप सवाल कर लीजिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ मैम। अंजू जी बात हो रही है, मैं तो आपको अंजू कह रहा हूँ, इन्होंने मंजू कहा था। हाँ ठीक है। सर नमस्ते। जय हिंद सर। मुझे ना पेट में ना बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बताइए। मुझे पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी होती है। और हाँ जी जी, मुझे पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, आगे बोलिए। और गैस, ठीक है गैस की भी प्रॉब्लम है। आपकी उम्र कितनी है? मुझे ना मैम सुनिए मेरी बात पूरी, बोल रहे मैम टीवी सुन रही हैं आप, देखिए टीवी बिल्कुल मत सुनिए, बोलिए अपनी बात। मुझे ना पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी पड़ती है, गैस बहुत बनती, गैस पास नहीं होती मैम, और मोशन भी ना बार बार लगते हैं और मोशन भी ठीक से पास नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए। अब उम्र मेरी 32 साल है। ठीक है। और मुझे ना मौसम भी क्लियर नहीं होते मैम। ठीक है मैंने सुन लिया बच्चा, मैं समझ गया। मंजू जी आपके घर में एक इलाज है लेकिन आपको पता नहीं है, ये मेथी का दाना लीजिए 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और
धनिया का दाना 200 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनवा लीजिए, बना लीजिए, ये रेशियो से बनाना है। आप इससे ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम मेथी का दाना, 200 ग्राम धनिया, इसको पाउडर बना के रखें। अब इसको खाना कैसे है, एक आता है नमक जैतून, असली लें, नमक जैसा दिखने वाला ये पदार्थ दुनिया में ऐसा है जो नमकीन नहीं होता, और लेकिन इसे नमक जैतून कहते हैं, या ये रसायन जैतून भी कहते हैं, या इसको एस्टेक भी कहते हैं जैतून का, और बहरहाल ये नमकीन नहीं होता। और ये जो आपने मेथी और धनिया का पाउडर बनाया, एक चम्मच लें और एक या दो चुटकी इसमें नमक जैतून मिलाएं, खाने से आधा घंटा पहले आप इसे खाकर पानी पी लें गर्म, बस काफ़ी है। एक बार या दो बार दिन में खाने से पहले आप ये करें तो आपकी तीनों समस्याओं का निदान मुमकिन है।